सेलिब्रेशन 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 बर्थडे सेलिब्रेशन। बस अभी मैं बर्थडे सेलिब्रेट करके आई, एक छोटी बच्ची 5 साल की, उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की बहुत बड़े पैमाने पे, नाच गाना खाना पीना। और वो बच्ची, इतनी छोटी बच्ची, इतनी थक गई थी एंड शी वॉज लाइक क्या हो रहा है। 5 साल की बच्ची की इतना बड़ा सेलिब्रेशन पहली बार हुआ, सब लोग आके गिफ्ट दे रहे थे, ये वो, इतनी थक गई थी बेचारी। बट मज़ा आता है ऑफकोर्स, यू रियली एन्जॉय सेलिब्रेटिंग बर्थडे। आई रिमेम्बर मेरी फर्स्ट बर्थडे जब मैं 1996 में अमेरिका से आ रही थी, तो मेरी नेबर का वहाँ घर था और उन्होंने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की थी। हमने, आई रिमेम्बर कि पहली बार मैंने केक कटिंग किया था एंड रियली आई वाज सो एक्साइटेड, बड़ा मज़ा आ गया था। एंड यू नो, ऐसे लगता है कि जब लोग इतने मिलते हैं, यू नो, और इतना सब इम्पोर्टेंस मिलता है, अटेंशन मिलता है, अच्छा तो लगता है। तो जब बर्थडे सेलिब्रेशन का एक दिन होता है, लोग हमारी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तभी हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है उनके लिए, है ना, कि भाई जैसे जैसे हम लोग मैच्योर हो रहे हैं, हमारी उम्र बढ़ रही है, मतलब मैच्योरिटी बढ़ रही है, राइट? सो वी शुड ऑल्सो कंसिडर द लाइफ एंड इन सच अ वे कि वी बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, ऑफकोर्स मोर मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, टॉलरेंस, पेशेंस, ये सब बहुत ज़रूरी होता है ना। वैसे कभी डर लगता है ना, ओ एक उम्र बढ़ गई, एक साल बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। नंबर्स आर जस्ट नंबर्स, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई फील कि जैसे जैसे अपनी उम्र बढ़ती है, वी आर मोर एक्सपीरियंस। जैसे वो वाइन नहीं बनता है, उसको इतना पुराना वाइन जब पीते हो तो कितना मज़ा आता है, मेड ऑफ दिस अफ्रीका ऑस्ट्रेलियन वाइन, ये वाइन वो वाइन। तो एक बर्थडे इज सेलिब्रेशन है, एक वाइन है, एक किस्म का वाइन है, उसको पियो, उसका रस हजम करो एंड सेलिब्रेट विद एवरीबॉडी। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक किसी ने वीडियो भेजा था, अच्छा वीडियो था, बोले कि यू नो सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको बर्थडे, उनको मतलब घर में बैठना चाहिए, ज़्यादा बाहर नहीं घूमना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। तो उसने बहुत अच्छा कहा कि अरे भाई, पहले छत कहाँ थी जो ऊपर वाले ने बनाया है, नेचर के साथ रहो, जितना हो सके उतना बाहर घूमो, लोगों से मिलो, कम्युनिकेट करो, बी इन कम्युनिकेशन, यू नो, एक्सप्रेस योर सेल्फ, बी फुल्ली सेल्फ एक्सप्रेस। दैट्स वॉट आई बिलीव, आई फुल्ली एग्री विद द जेंटलमैन, मैं उनका नाम भूल गई, किसी ने वीडियो फॉरवर्ड किया था, उसने बोला कि घर में रहने का है आपको, देन यू आर इनवाइटिंग ऑल द बीमारीज। अगर आपको बीमार नहीं पड़ना है, आपको हिट फिट हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस रहना है, जितना हो सके उतना बाहर घूमो, ऑफकोर्स एज पर योर, आपके पाँव बराबर चलने चाहिए, यू शुड नॉट बी डिपेंडिंग ऑन समबडी। और किसी का सहारा लिया तो क्या हो गया। और इसीलिए तो ये सब सीनियर सिटीजन के जितने भी यू नो सेंटर्स बने हैं, अभी तो आजकल बहुत फुल जा रहे हैं, पीपल आर गोइंग देयर बिकॉज दे आर विद द नेचर, दे आर विद द सेम एज ग्रुप, सो आई बिलीव द सेम। यस, व्हाट डू यू थिंक, है ना?